Get your ticket to your dream career. Join IIMT University, which offers courses in engineering, pharmacy, law, management, mass communication, hospitality management, nursing and paramedical and other professional courses. ओ पॉकेट गंगानगर मवाना रोड मेरठ। अवैध निर्माण व अवैध कॉलोनियों के अंधाधुंध निर्माण के आरोपों के बीच मेरठ विकास प्राधिकरण अब नए विवाद में फंसता नजर आ रहा है। मेरठ आर्किटेक्ट एसोसिएशन ने यह आरोप लगाते हुए सनसनी फैला दी है कि इन दिनों ऐसे आर्किटेक्ट का नाम पर नक्शे पास किए जा रहे हैं जो अभी प्रैक्टिस में है ही नहीं, या फिर ये कहें कि उन आर्किटेक्ट का कोई वजूद नहीं है, या फिर उनके नाम का इस्तेमाल एक गिरोहबंद तरीके से किया जा रहा है। आरोप है कि करीब 150 से ज़्यादा ऐसे नक्शे आर्किटेक्ट एसोसिएशन की जानकारी में हैं, जबकि यह संख्या 800 तक होने की आशंका एसोसिएशन ने जताई है। उनका सीधा आरोप है कि ऐसे फर्जी आर्किटेक्ट को मेरठ विकास प्राधिकरण के अभियंताओं व स्टाफ का खुला संरक्षण प्राप्त है और ऐसा कर वे मोटी कमाई कर रहे हैं। इन गैर कानूनी गतिविधि पर रोक लगनी चाहिए। एसोसिएशन पदाधिकारियों ने VC की गैर मौजूदगी में सचिव को इस गतिविधि से असंतुष्ट होते हुए ज्ञापन दिया। सचिव ने 10 जुलाई तक इसकी जांच कर एसोसिएशन को अवगत कराने का आश्वासन दिया है। मैं हूं रवि शर्मा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट TV। इस मौके पर एसोसिएशन के अध्यक्ष अंकित अग्रवाल ने फर्स्ट बाइट को यह जानकारी दी। ये मामला संज्ञान में आया है कि आर्किटेक्ट्स की फेक ID बना के कुछ नक्शे पास किए जा रहे हैं और इसके अंदर MDA के भी कुछ अधिकारी और कर्मचारी इसके अंदर इन्वॉल्व हो सकते हैं, ऐसा हमारा मानना है। क्योंकि इतना बड़ा ये लेवल का स्कैम होना विदाउट अधिकारियों की और एम्प्लॉयज़ की नॉलेज के बिना बहुत मुश्किल नज़र आता है। इसके अंदर कल अभी TP साहब ने और ATP CTP के सामने भी हमारा काफ़ी डिस्कशन हुआ है इस मामले में। तो एक ID तो अभी हमें मिल गई है जिसके नाम से 150 नक्शे डाले गए हैं मुकेश कुमार यादव, और उनसे जब फ़ोन पे बातचीत हुई तो ये पता चला कि उन्होंने मेरठ के अंदर वो नक्शे अप्लाई नहीं कर रहे हैं, और इसका मतलब ये निकलता है कि कोई और उनके नाम से अप्लाई कर रहा है उनके लाइसेंस के ऊपर, किसी और ने। हाँ जी, ये मेरठ के भी हो सकते हैं, मगर अभी नॉलेज नहीं है कि मेरठ के ही हैं ये लोग। मगर अभी तो ईस्टर्न UP की तरफ के कई सारी IDs हमारे नॉलेज में आई हैं, और अभी ये वाली तो आजमगढ़ की है जी, आजमगढ़ से है। और ये वाला मैटर भी आया है कि एक ही COA के लाइसेंस के ऊपर कई कई IDs बन रही हैं। यह भी जानकारी में आया है कि सोमवार को एसोसिएशन पदाधिकारी प्राधिकरण अध्यक्ष यानी कमिश्नर से भी मुलाकात कर प्राधिकरण में चल रहे घोटाले वे गृहबंदी की शिकायत करेंगे, उन्हें इस बाबत ज्ञापन भी दिया जाएगा। इस खबर पर रहेगी फर्स्ट बाइट की नज़र। फिलहाल इतना ही। अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होते ही बाजारों व सार्वजनिक स्थलों पर लोगों ने मास्क व 2 गज की दूरी के नियम की अनदेखी तेज कर दी है। माना जा रहा है कि कोरोना की दूसरी लहर भी इन्हीं कारणों से आई थी, ऐसे में और अधिक सतर्कता बरतने की जरूरत है। जरूरी ना हो तो घर से न निकलें, सरकारी गाइडलाइन का पालन करते रहें और देखते रहिए फर्स्ट बाइट TV। नमस्कार।